वो बंदा है जिसकी वजह से यानी आज इमरान खान के यानी कहीं और गोली नहीं लगी, उसकी टांगों को लगी और उस बंदे ने उसे पकड़ लिया। और ये मैं चाहता था कि मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूं, यही वो असल हीरो है दोस्तों, ये असली हीरो है, क्योंकि इसने अपनी जान लेकिन अपने लीडर को बचा लिया। इसने इसकी जद्दोजहद को सलाम, इसकी बहादुरी को सलाम, ये पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने माफिया शामिल है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और जिसने ये हमला किया पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसका बयान भी रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ये वो बयान नहीं है, हर चीज उगलवानी चाहिए। नहीं, वो बंदा अपने बयान में कह रहा है इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा है, काल के ऊपर कौन कत्ल करता है, ये पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने ये हमला किया और इसके पीछे लाल माफिया शामिल है। ये वो बंदा है, इसकी वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं। वो इस बंदे ने दोस्तों लीडर को बचाने के लिए बंदा है जिसकी वजह से यानी आज इमरान खान के यानी कहीं और गोली नहीं लगी, उसकी टांगों को लगी और उस बंदे ने उसे पकड़ लिया। जद्दोजहद को सलाम, इसकी बहादुरी को सलाम, ये बहुत ही बहादुरी वाला काम इस बंदे ने किया और ये मैं चाहता था कि मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि यही वो असल हीरो है दोस्तों, ये असली हीरो है, अपने लीडर को बचा लिया इसने। तो दोस्तों, इस बंदे को सलाम दोस्तों, जिसने किसी चीज की परवाह किए बगैर यानी अपने लीडर के लिए यानी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, अपनी जान की परवाह किए बगैर उस डाकू को रोका, एक गलत काम को रोका। यानी मुझे अल्फाज नहीं मिले कि मैं किस तरह इस बंदे को खराजे तहसीन पेश करूं। तो यही वो असल हीरो है, और जिस बंदे से पुलिस ने बयान रिकॉर्ड करवाया, यानी हर एक बंदे का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है यानी मैं इसको सच नहीं मानता कि वो बंदे ने सिर्फ के इमरान खान यानी गलत लोगों को गुमराह कर रहा, तो वो बंदूक लेकर और आकर यानी शूटिंग शुरू कर दे। यानी लिहाजा इसके पीछे सारी स्टोरी को बेनकाब किया जाए, इसके पीछे जो भी लोग मुलव्वस हैं उन सबको सजाए मौत दी जाए, बस से बदतरीन किस्म की सजा दी जाए, ताकि पिछले आने वाली नस्लों को भी यानी अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत करे तो वो 10 दफा सोचे कि मैं ये करूं या ना करूं, क्योंकि पाकिस्तान में जान की कोई कीमत रह नहीं गई। यानी छोटी छोटी बात पे कत्लेआम आम हो गया, लेकिन हमें इस चीज को रोकना है, इस चीज को फरोग नहीं देना। तो लिहाजा मेरी पाकिस्तान के सभी इदारों से गुजारिश है कि जो मुजरम इस जालमाना प्लानिंग का हिस्सा है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और निशाने इबरत बनाया जाए बाकी सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का इख्तिताम मैं यही करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।